पानी बिजली की समस्या को लेकर जिला परिषद के नेतृत्व में आक्रोशित स्थानीय लोगों ने डीवीसी बोकारो थर्मल के असैनिक विभाग का घेराव किया। काफी संख्या में जुटे महिला और पुरुषों का कहना है कि सुबह अचानक डीवीसी के द्वारा बिजली काट दी गई, जिस कारण बच्चों का पठन पाठन में परेशानियां उत्पन्न हुई। आंदोलित महिला और पुरुषों का कहना है कि अभी बच्चों का फाइनल परीक्षा है, जिससे पठन पाठन में काफी परेशानी उत्पन्न होगी। आंदोलित महिला पुरुषों का कहना है कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक असैनिक विभाग कार्यालय जाम रहेगा। इस संदर्भ में जब डीवीसी अधिकारियों से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया। यहाँ पर आप लोग काफी संख्या में महिला पहुंचे हुए हैं, क्या समस्या है आप लोग? यहाँ पर बिजली काट दिया गया है, हजारों की संख्या में बच्चे सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, लाइन नहीं है, पानी काट रहे हैं और डीवीसी काट रहे हैं, कोई तोड़ रहे हैं बिल्डिंग, कोई बात नहीं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर ना काटे, लाइन और पानी नहीं काटे, बच्चे सब का एग्ज़ाम का टाइम है, इसी वजह से यहाँ इतने जनप्रतिनिधि आप सब यहाँ पर खड़े हैं और सबको लाइन